दरभंगा में नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर जीतूगाछी फुलवारी में रोड पर पानी गिरे होने पर 3 लोगों को बुरी तरह पीटा गया। दरअसल शंकर मंडल के बेटे श्याम सुंदर और राम सुंदर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिसने हमें पीटा है वह नेता है, दबंगई दिखाने को लेकर हम दोनों और हमारी मां को बुरी तरह पीटा गया है। हमें तो यह भी नहीं पता हम लोगों को अचानक आकर पीटने लगा, थोड़े से रोड पर पानी गिरे होने की वजह से बहस हुई थी, उसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद हमें हमारे घर पर पीट कर तीनों लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया गया है। वहीं डीएमसीएच अस्पताल में हम लोगों का इलाज चल रहा है। वो पानी को लेके झगड़ा हुआ, पता होते कि यहाँ पानी नहीं गिराई, वो चिल्लाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बोला ठीक है ऐसा नहीं होगा, पता नहीं उसके अंदर क्या मंशा थी और वो प्रिपेयर्ड था। मेरे उसका छोटा वाला भाई मेरे भाई को चाकू से मार रहा था, सीधा मारना शुरू किया और डंडे से मारना शुरू किया, इसमें सिर हाथ मेरा फट गया। कितना टाका लगा है अभी आपको? ये हमको भी 5 टाका लगा है। अभी आप कहाँ आए हुए? अभी हम डीएमसीएच आए हुए हैं। अच्छा, ये जो पानी गिरने का मामला है तो ये सड़क पे पानी गिर रहा था या उनकी जमीन पर? सड़क पे थोड़ी सी पानी थी, थोड़ी सी मतलब ना के बराबर, और उसने वहां दुकान खोल रखा है खरदुकनिया, उसी के लिए उसने बोला और सीधा मारना शुरू कर दिया। ये भी नहीं कि आप इसको ठीक कीजिए या नहीं कीजिए। अगर पानी क्या कोई पुराना मामला है? पुराना मामला नहीं है हमारा, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। ये पानी जो है पहली बार वहाँ गिरा था या लगातार आप लोग के पानी गिर रहा है? हमारा कोई पानी नहीं गिरता, हम लोग का कोई भी पानी की निकासी रोड पे है ही नहीं। तो आपको क्या लगता है इस मारपीट के पीछे क्या? वो दबंगई, उसकी दबंगई है, पूरे मोहल्ले में वो लड़ाई करता है, सारे लोगों से उसका झगड़ा है, वो दबंगई दिखा रहा है और कुछ नहीं। ये कितने बजे की घटना? ये 9:30 से 10:30 के बीच में। कितने लोग घायल हुए हैं? हम और मेरा भाई हुआ है और मेरी माँ को भी उन लोगों ने मारा, पूरा परिवार। वो लोग कितने लोग थे जो आप पर हमला? वो लोग 2 भाई और 3-4 और लोग भी आए हुए थे उसके साथ, मतलब वो प्रिपेयर्ड थे कि इनको मारना है। अब मनसा क्या थी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। घटना कहाँ की है? शिवाजी नगर जीतूगाछी फुलवारी। थाना कौन पड़ता है आपका? नगर थाना। जिला? दरभंगा। श्याम सुंदर। क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? बस सेम टू सेम जो बस भैया बोले हैं इसी तरह हुआ। आप वो एकाएक वो बोला कि अभी दिखाएं क्या, तो हमने बोला कि ठीक है दिखाओ, हम तो बातचीत कर रहे थे, दिखाओ तो नीचे तो हम लोग देखते बातचीत हो रहा है या झगड़ा हो तो बातचीत होता है ना। जी जी ठीक है। हम बोले कि देखो पानी अगर गिर रहा है कभी कभी तो नाला जो बंद किए हुए हो उसमें तुम गाड़ी लगाने के लिए रखे हुए हो, ऊपर से उस पर सीढ़ी बनाए हुए, ठीक है, तो ये सब क्लियर करो। तो हमारा भी जो भी पानी गिरता है उसको भी झाड़ू पानी गिराते हैं, झाड़ू मार देते हैं कि दिक्कत काहे ला, झगड़ा काहे के लिए हुआ किसी से। क्या चीज से हमला हुआ आप पे? हमारे ऊपर एक छोटा सा चाकू था, इतना ही बड़ा चाकू था, ठीक है, वो भाज रहा था, ठीक है, उसी भाजने के क्रम में जो हमको यहाँ पे जो है लग गया, इसमें टाका लगा। आपके भाई पर क्या चीज से हमला हुआ? इनके ऊपर जो है लोहे के रॉड से और डंटा से हुआ। मदर को भी घायल किया आपके? देखिये घायल तो है लेकिन वो बाल वगैरह पकड़ के उनकी दोनों, मतलब उसको हम लोग उतना ये नहीं ले। मदर की बहुत ज्यादा तबीयत नहीं बिगड़ी है? आप दोनों भाई का ज्यादा सीरियस? हाँ, वो आपके सर में चोट है, डायबिटिक, तो वो ऑलरेडी पेशेंट है, फिर भी इन लोगों ने ना इतना भी मर्सी नहीं किया कि किसी लेडीज पे कैसे हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, तो समाज वहाँ पर आया था? समाज आया, वो खड़ा रहा क्योंकि वो दबंग आदमी है, हर आदमी से लड़ता है, तो उसका कोई कुछ नहीं करता। कोई आपसी विवाद पहले से? कोई विवाद नहीं उसका, हर आदमी के साथ आपसी विवाद है उसका, हर आदमी के साथ। क्या कहिएगा इस घटना के पीछे आपको क्या लगता है? ऐसे आपके साथ जो घटना भी घटी है आपको क्या शक लगता है इसके पीछे? देखिए थोड़ा बहुत नेतागिरी करता है, उसके हिसाब से वो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेताजी कोई भी बनेंगे उनके पास दबंग का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ श्याम सुंदर।